श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बात अपार श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की शोभा बताई जा रही है कहते हैं शोभा हक की अंग की शो अंग ही की शोभा अंग अक्षरा तामदनी की शोभा उनके अंग की शोभा वो तो बस उनके अंग की शोभा है दूसरा उसके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है जैसे वो संस्कृत में एक उदाहरण देते हैं राम और रावण का युद्ध कैसा था तो बस उनके जैसा ही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये यह समझाया तो उनके अंग की शोभा है। ऐसी चीज़ कोई है नहीं जो शोभे इन अंग संग ऐसी कोई वस्तु तो है ही नहीं जो अक्षरात धामधनी के अंगों की शोभा को बढ़ाए बस उनके अंगों की शोभा है वही सबसे उत्तम शोभा है फिर भी ये दूसरे वस्त्र आभूषण इनकी बात कर रहे हैं कि इन वस्त्र आभूषणों की भी शोभा है कि अक्षरात धाम धने के अंगों में सुशोभित तो है इस प्रकार कहना चाह रहे हैं कहो पटुके की शलुकी के ए है कहो कमर उनके पटुके की सुंदरता की बात करें कि ये कमर पर सुशोभित है कमर को भूषित कर रहा है वह आभूषण है ये छवा फव दिल देख के न जानो रू दे रहे क्यों कर इसकी सुंदर शोभा को देख करके आत्मा को ये शरीर तुरंत छोड़ देना चाहिए किन्तु तो आत्मा कैसे इस शरीर में रह रही है ये ये कैसे कहो एक कया जाए वस्त्र भूषण ये चीज दुनिया के ये वस्त्र और आभूषण इनका वर्णन ही नहीं हो सकता है जिनका वर्णन हो सकता है न वो दुनिया की वस्तु होती है जो शोभा देता का अंग को ताए क्यों नाम धरिए जो अक्षराते धाम धने के अंगों के शोभा बढ़ाते हैं उनको दुनिया के तरह से कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता हक के अंग का नूर जो ये रूहों आरस में सुध होता अक्षराते धाम धने के अंग के ही ये सब नूर हैं प्रकाश हैं ये रूहों और शुद्ध होता तो परमधाम में ही ब्रह्मात्माओं को इसकी समझ होती है ये तो शब्द न कोई पहुँच ही जो कोट रोशन कहो ज्योत दुनिया से तो करोड़ों प्रकार की रोशनी ऐसे कहें तो भी उसकी ज्योति को यहाँ के शब्द उसकी थोड़ी सी ज्योति को भी बता नहीं सकते हैं नख अंगुलिया अंगूठे कोई दिया न निमुना जाए नख अंगुलियां अंगूठे इन सब की बात करें तो उसका भी कोई उदाहरण दे नहीं दिया जा सकता ज्योत क्यों कहो इन मुखर आए अम्बर अजीमी भराए बस उनकी ज्योति कितनी बताएं इस युवा से कि कहाँ कहा करके इतना कह सकते हैं इन, इन इस ज्योति से पूरा आकाश छा जाता है छाया हुआ रहता है बस इतना ही बोल सकते और आकाश और भूमि हाँ पतली अंगुरिया उज्जवल शोभा क्यों कहो मुदरियो मुख उनकी पतली अंगु... अंगुलियाँ हैं उज्वल बड़ी सुंदर लगती है शोभा क्यों कहो मुदरियो मुख तो आ, उन इन पत पतली अंगुरियों में मुद्रिकाए हैं तो उनकी शोभा की क्या बात करूं ये देखे रुआ मोमिन सोई जाने ये सुख तो ब्रह्मात्मा ही इस शोभा को देख करके के इससे सुखी होती है तो बाकी ये बताया नहीं जा सकता लीके हथेली उज्ज्वल सलू पहुंच की पहुंचो ऊपर हथेली की लीके हस्त हस्तरेखाएँ सलू की पहुंचो ऊपर तो पहुँचे कर भाग में जो सुंदरता है ये बेवरा कहते अकल हाय हाय अरवा रहे तक क्यों कर इसका विवरण करते हुए मतलब बुद्धि इस, इसका वर्णन करने लग जाए तो ये आत्मा इस शरीर में कैसे रह सकती है तो इसका वर्णन ही नहीं, नहीं हो सकता है तो आत्मा तो उसको कुछ बताए भी नहीं शरीर छोड़ करके जा सकती है पहुंची कानो कड़े कता हे मजावे कई रस कई रंग रस पहुंची पहुंची कांडा ये मणिबंध तो उसमें कड़े हैं ये पहुंचा पर पहुंची है तो उनके लिए कहें हे जवेर कई रंग रस उसमें जो चमक है वो आ, हेम का है सोने का है दूसरे विभिन्न रंग के रस ऐसे जवारात हैं उनकी बात करें दिल चाहे रूप रंग ही, तो जैसे परमात्मा चाहती है तो उस प्रकार से उनमें रूप रंग आते हैं जो दे देखिए सोई सरस जिसको देखते हैं वही अच्छे लगते हैं मोहरी चूड़ी माहें बाहें बाजू मोहरी तो ये जामे के ये उसके बाजू की ये किनार का भाग तो उसमें मोहरी तो उसमें चूड़ी जैसी तो वैसी डिजाइन ही है और फिर बाहें बाजूबंद तो फिर यहाँ बहाम के ऊपर में बाजूबंद है शोभा बारी का कई वर्णन उनकी शोभा भी बड़ी सूक्ष्म रूप से है तो उसके क्या वर्णन करें नाम लेते इन चीज़ का हाय हाय अरवा उड़त नाम तो इनका नाम लेते हुए भी बड़े खेत की बात है कि ब्रह्मात्माओं ये ब्रह्मात्माओं आत्माओं की चेतना है इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ रही है हक हुक्म राखत जोरावरी बात आई ऊपर हुक्म वैसे देखा जाए तो अक्षरात धामदनी का आदेश है वही ब्रह्मात्माओं को टिका करके रखता है इसलिए सारी बात हुक्म के ऊपर ही आती है ना तो रहे ना सुन वचन पर ज्यों जानो त्यों करे खसम नहीं तो ये बातें सुन करके चेतना शरीर में रह नहीं सकती तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ज्यों जाने त्यों करे खा सम जैसा राज्य को ठीक लगता है वो वैसा ही कर देते हैं तो उनको अभी अब वो चेतना को शरीर में टिकाए रखना है इसलिए टिकाए रखा है बाकी जब वो चाहेंगे तो फिर आत्मा तो उसमें रहने वाली नहीं है तो राज्य जैसे ही चाहेंगे उसी समय छोड़ करके चली जाएगी शोभा लेता है रेखा भे करेत सुनत श्रवण वक्षस्थल की शोभा और स्कंद प्रदेश की शोभा करहेत तुनत श्रवण और प्रेम से आ, हमारी बातों को सुनने वाले ये श्रवण इंद्रिय हैं उनकी शोभा विचार किए जीवरा उड़े उड़े देख या उड़े देख देखभूषण तो इस पर विचार करते ही जीव चेतना ये तो शरीर से निकल करके जा सकती है या तो इन आभूषणों को देखने पर ही देखते ही तो ये उसमें जाती है तो देख देखने पर भी शरीर छोड़ सकती है और विचार करने पर भी छोड़ सकती है अथवा तो ये कह सकते हैं जब इन आभूषणों को देखने पर ही तो आत्मा शरीर में रह नहीं पाएगी तो फिर हाँ विचार करने पर ही रह नहीं पाएगी तो फिर देखने पर क्या स्थिति होगी गौर हरवटी अति सुंदर या देख के लाख सलूक उनके हरवटी चिबुक गौर वर्ण के अत्यंत सुंदर है उनका चिबुक या देख के लाख सलूक तो और उसमें भी जो ये गहराई है यहाँ उसके ऊपर की तो उसकी सुंदरता देख कर के लाल अधुर देख ना गया लो मेरे अंग का सुख तो उनके लाल लाल अधर को तो देखा ही नहीं गया है तो मेरे अंग का लोह है रक्त है वो सूखने लगा है कि कैसे अभी तक प्राण नहीं निकल रहे हैं तो इसमें ये सूखने लगा है मुख चौक छवि सलू सुंदर अति स्वरूप श्री राज्य का मुखारविंद और मुखारविंद कहने का मतलब मुखमंडल तो उसकी छवि अत्यंत सुंदर है सुंदर अति स्वरूप अत्यंत सुंदर स्वरूप है गाल लाल अति उज्वल गाल भी लाल लाल है और अत्यंत उज्जवल गौरवर्ण और उसमें है सुखदायक शोभा अनुपम बस वो बड़े सुखदायक है उसकी शोभा भी अनुपम है नीलवट तिलक नाशिका नीलवट ललाट उसमें तिलक है नासिका से लेकर के ऊपर केश पर्यंत रंग पल में अनेक देखा पल पल में तो वो उस तिलक में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं दंत बीड़ी मुखम औरत दोनों दंतावली के बीच में जब पान का बीड़ा डाल देते हैं तो मुंह थोड़ा सा खुला हुआ होता है हाय हाय जीवरा उड़ न जाए ये पूरे दृश्य को देख करके बड़े खेत की बात है तो ये चेतना शरीर को छोड़ करके जा नहीं रही है रंग नाशिका की मैं क्यों कहूँ गुण का अद्भुत नाशिका के रंग की बात बात क्या करें उनके गुण भी बड़े ही सुंदर और अद्भुत प्रकार के हैं सुन ब्रह्मांड को फोड़ के अरसवास ले तभी बीच तो ये सुनते हैं तो ब्रह्मांड को फोड़ करके इस ना या इस संसार में रहते हुए भी पूरे वो परमधाम की सुगंधि वहाँ की सुगंधि ले सकते हैं मतलब इतने दूर तक उसकी सुगंधि आती है नए न सैना जो करता है सामी रुअ मोमिना तो अक्षराते धाम की नाशिका हमारी यहाँ की सुगंधी भी वो ग्रहण करती है तो इतने दूर की भी तो कैसी नाशिका होगी उसमें गुण कितने होंगे ये कह रहे थे नयन सैन जो करता है स्वामी रूओम गोविंद तो ब्रह्म आत्माएं अपने आँखों से संकेत करती है सामने से ये सैन दिल के हाय हाय चिराए न गया ये तन तो अक्षराते धाम धनी जैसे आँखों से संकेत करते हैं तो उसको देख करके ब्रह्म आत्माएँ भी संकेत करती है तो धाम धामधनी के इन संकेतों को देख करके न, क्यों उनको ग्रहण करते हुए ये शरीर क्यों टिका है वो चीरा क्यों नहीं गया ये नयना नूर जमाल के देख सलो सामधनी के नयन कमल है बड़े ही सुंदर है बड़े ही अच्छे अद्भुत सुंदर सु, है ये सुना नयना बिछोहा मोमिना इन नयनों के सुंदरता को सुनकर के ब्रह्मात्माओं आत्माओं का उनका वियोग क्यों नहीं हो रहा है हाय हाय हो न गए भूख भुक भूखा तो ब्रह्मात्माए ब्रह्मात्माओं का ये शरीर है ये टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं हो रहा है अम्बर धरा के बीच में केश लवन नूर झलक आकाश से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तो अक्षराति धामधनी के केश और ये कर्ण के अग्रभाग का तो यहाँ के केश होंगे तो उनकी उनका प्रकाश है पूरा पूरा छाया हुआ होता है इस शोभा मुख क्यों कहो कानों मोतीलाल लटक तो इस शोभा का वर्णन मुँह से कैसे करें तो जिसमें कानों में कान के आभूषण में बीच में मोती लटकता है कुंडल में तो वो कितनी कितनी सुंदर है और तो वो इसमें वो केश और इधर का आगे का भाग है केश है उनके बीच में उसकी लटकन है कितनी सुंदरता दिखाई देती है इसकी क्या बात करें कान न मोती कहे तो कान में मोती की बात करते हैं वास्तव में पल में बदल आभूषण किंतु पल पल में ये आभूषण में क्या क्या कुछ बदलते रहते हैं आशिक देख कई भांते सुख देवे तिल मोमिन दिल रोशन आशिक देखे कई भाते अनुरागिणी आत्माएं कई प्रकार से जैसी उनकी इच्छा होती है उसी प्रकार का स्वरूप देखती है सुख देवे दिल रोशन दिल को प्रकाशित करते करके आ, ये सब आभूषण ब्रह्मात्माओं को सुख प्रदान करते है कानों कड़ी गठोरी मूर्खी जुगत जिन सनाही पार कान में जैसे कुंडल होता है उस तरह से दूसरा कड़ा भी पहनते हैं कड़े जैसा तो उसमें गठोरी मुरगी तो वो तो उसमें कान के में उसके साथ में लटकन है वो ऐसी अलग अलग प्रकार से गुथी हुई है तो गठोरी गुथी हुई गांठ अलग अलग प्रकार से गांठ बनाई हुई है उस प्रकार से ये गठोरी ऐसा कहा और वो मुरकी तो मुड़ करके बनी हुई ने नीचे बाली जुगत जिनस ना ही पारा वो कितने सुंदर युक्तिपूर्वक है जिसका कोई पारावारी नहीं है नाम रंग नाम नंग रंग रसायन क्यों कहो तो इन रसायन और उनमें लगे हुए नग रसायन का मतलब धातु जिसमें जिस जिसमें से आभूषण बना है उसमें आ, उसके रत्न इनका क्या तो नाम ले सकते हैं रूप छिन्न में बदले बेशुमार क्षण में तो ये अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं उज्जवल नीलाट लाल तिलक क्यों कौन शोभा असल ललाट पर उज्जवल लाल तिलक कहे तो भी इसकी असली शोभा तो बताई नहीं जा सकती है सुंदर सलुकी स्वरूप की माए आवत न अकल इतना सुंदर स्वरूप है कि ये बुद्धि के अंदर वो समाई नहीं पाता है इसलिए बुद्धि उसको बस बहुत अच्छा है, इतना ही कह सकती है तो इस प्रकार का दिव्य स्वरूप है पाग कही सिर हक के और कया सिर मुकुट पाग की बात कही है सिर में मुकुट की पाग की ये बात कही है हाय हाय जीवरा क्यों रया खुलते हिरदे ए पट तो हृदय के पट जैसे ही उनको देख करके हृदय के पट खुल जाए तो फिर आत्मा इस शरीर में कैसे टिकी हुई है तो ये तो बड़े खेद की बात है कलग ही दुख तो कहूँ जो पगड़ी होए और रस कलगी और दुख दुखी की बात तो तभी कही जा सकती है कि जब पगड़ी किसी और प्रकार की हो पगड़ी ही इतनी सुंदर है तो उसमें जो कलगी और दुग्धुघी हो तो और भी सुंदर है वस्त्र आभूषण या अंग तीनों हर एक पे एक सरस वस्त्र आभूषण अथवा तो आ, ये राज्य के अंग ये तीनों ही एक से बढ़कर के दूसरे हैं ऐसा है ऐसा लगता है ताथे रस तो सब एक है तामे अनेक रंग इसलिए रस तो एक ही है उसमें रंग अलग अलग, अलग प्रकार के हैं प्रेम रसी है कलगी दुग्धुघी ठोर अपने करत माहो माहे जंगा कलगी और दुग्धुघी दुग तो ये तो अलग ही प्रकार के दिखाई देते हैं तो उसमें अलग अलग, अलग प्रकार से उसमें से प्रकाश निकलते हैं इतनी उसमें सुंदरता है तो अभी यहीं रखते हैं ठीक है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय करत माहो माहे करता करत माहो माहे जंग तो सब एक है तो सब एक है आने ने कर गी दुग दुखी ठारा अपने कलगी दुग दुगी पने। करता माह माय जंग करत मा, हो मा Young yeah.